नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से दो गुना है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुना थी, यदि बेटी की वर्तमान आयु एक्स है तो अब देखो हमें एक कंडीशन दी हुई है कि अभी जो है उसकी जो वर्तमान आयु है वो अपनी उसकी बेटी से दुगनी है, तो हमें बोला हुआ है कि उसकी बेटी की जो आयु है, बेटी की जो आयु दे रखी है वो एक्स दी हुई है। अगर बेटी की आयु एक्स है तो जो अभी है उसकी कितनी हो जाएगी एज, दुगनी, मतलब 2x हो गई, ये है प्रेजेंट एज अभी की। अब देखते हैं अब क्या करना है, हमें वो दे रखा है 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले निकालूं तो उसकी बेटी की आयु x माइनस 5 हो जानी चाहिए और इसकी एज हो जानी चाहिए 2x माइनस 5। अब इन दोनों में एक रिलेशन दे रखा है क्या कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुना थी, तो दोनों को अगर मैं बराबर करना चाहूँ तो जो अभी की आयु है उसको बराबर करना है तो मुझे उसकी बेटी की आयु को 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ये इक्वेशन हमें दे रखी है, तो ये जो इक्वेशन है वो दे रखी है हमें ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, उसका हानि लाभ प्रतिशत है। अब कोई आदमी है किसी चीज़ पे, पहले वो 40% प्राइस बड़ा इंक्रीज़ करके दिखाता है, उसमें 40% में बाद में डिस्काउंट देता है, तो हमें बताना है उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। हमने स्टार्टिंग में माना कि उसकी जो प्राइस थी वो 100 थी और अगर वो 40% इंक्रीज़ करता है उसमें तो उसकी जो प्राइस हो जाएगी 140 हो जाएगी, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस। अब क्या करना है, उसमें डिस्काउंट उसे मिल रहा है, डिस्काउंट वो दे रहा है 40% का, तो 140 का अगर मैं 40% निकालूं तो 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 56 आएगा, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा 140 माइनस 56 तो ये हो जाएगा हमारा 84 उसका सेलिंग प्राइस है, और हमने माना था कि उसने वो चीज़ खरीदी 100 में, अगर वो 100 में ख़रीद रहा है और 84 में वो बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसे लॉस हो जाएगा, और लॉस भी कितना होगा, 100 माइनस 84 इक्वल टू 16% का, तो उसे लॉस हुआ है 16%, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 2, 3, 5, 8, द सम ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज। अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का रेशो दे रखा है, माना कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 एंगल दिए हुए हैं, चारों का जो रेशो है वो दे रखा है हमें 2:3:5:8, ये दे रखा है। अब इसने बोला है द सम ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ लार्जेस्ट एंगल एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल तो हमारा ये हो जाएगा और सबसे बड़ा एंगल ये हो जाएगा, तो हमने निकाला स्मॉलेस्ट एंगल जो है, स्मॉलेस्ट एंगल कैसे निकलेगा, देखो 2 अपॉन में इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, टोटल करने पे आ रहा है 18, और टोटल जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल का वो होता है 360। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारा हो जाएगा ये 20 और 20 × 2 करेंगे तो 40 डिग्री, सबसे छोटा एंगल जो है वो 40 डिग्री का है, और सबसे लार्जेस्ट एंगल देख लेते हैं, लार्जेस्ट एंगल जो होगा वो 8 था, तो 8 upon 18 × 360, इसको भी सॉल्व करा तो ये 20
ये आ गया हमारा 160। अब इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है उसका हमें सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट का जो सम होता है वो 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट एंगल का जो सम होता है 90 डिग्री होता है। तो देखिए स्मॉलेस्ट एंगल का बोला है उसने कॉम्प्लीमेंट था, तो ये स्मॉलेस्ट 40 डिग्री है, तो इसे 90 बना से माइनस करूँगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा हमारा 50, ठीक है। और इसका सप्लीमेंट एंगल है बनाना है तो उसको 180 से माइनस करा तो आया 20, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल हो गए 50 और प्लस 20। इसका सम पूछा है तो कितना आ रहा है हमारा, इसका सम आ रहा है हमारा 70 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।